हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुल्तान। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज शुरू की है उसी का एक हिस्सा है प्रियाम्बल। तो आज हम प्रियाम्बल के बारे में जानने वाले हैं, स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियाम्बल के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए समझते हैं किसे कहते हैं प्रियाम्बल। सबसे पहले उसका मीनिंग समझते हैं। प्रियाम्बल एक ऐसी चीज है जो एक बार अगर हम पढ़ लें तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक आइडिया आ जाता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है, जिसे हम कहते हैं फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियाम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक चेहरा है, जिसे देखते ही हम समझ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होगा। ऐसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट N.A. पालखीवाला प्रियाम्बल के बारे में कहते हैं, प्रियाम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियाम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे हम किसी का आइडेंटिटी कार्ड देखकर समझ जाते हैं कि ये इंसान कौन है, उसी तरह से हम प्रियाम्बल देखकर समझ जाते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहा है। इसी को हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक जान है। जहां पर भी जरूरत पड़ती है और जहां पर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो उस वक्त प्रियाम्बल का सहारा लिया जाता है। वहां पर प्रियाम्बल को लिंक करके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है। तो अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्डिंग्स दिए हुए हैं, जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के जरिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। तो पहला वर्ड सावरेन। अब सावरेन का मतलब क्या? इंडिया एक आजाद देश है, फ्री कंट्री है, और इसीलिए वो किसी दूसरे देश के दायरे में नहीं आता, और वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने के कारण अपने निर्णय खुद ले सकता है, और इसी कारण कोई भी दूसरा देश इंडिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिया को हम एक सॉवरेन कंट्री कहते हैं। दूसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के दो मीनिंग है, एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट और दूसरा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। जो ये वर्ड है सोशलिस्ट, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया। 1976 में जब इमरजेंसी लागू की गई थी भारत में, उसी वक्त कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। उसी में से एक अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट, और उसके जरिए सोशलिस्ट इस शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियाम्बल में ऐड किया गया। और भारत में जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना के कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब समझते हैं दोनों में फर्क क्या है। पहले तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म किसे कहेंगे? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म उसे कहते हैं जिसमें मींस ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट की होती है, देश की होती है, और वहां पर पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी में काफी अंतर होता है। इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, देश को बिलोंग करती है। और दूसरी ओर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। यहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन का मिक्सचर है। इसका मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो स्टेट प्लस इंडिविजुअल दोनों को बिलोंग करती है। मतलब यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अलाउ करते हैं और दूसरी ओर पब्लिक प्रॉपर्टी को भी अलाउ करते हैं। तो ये एक किस्म का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बनाया गया है भारत की ओर से। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कुछ नहीं बल्कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर है। इसीलिए हम इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जहां पर हम लोग कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों को भी एक्सपीरियंस करते हैं। थर्ड फीचर है सेक्युलर। सेक्युलर ये शब्द भी 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में प्रियाम्बल में ऐड किया गया। अब इस शब्द का मतलब क्या? पहली बात,
ये वर्ड 1976 में ऐड किया गया था, जिससे कि ये पता चल गया या फिर ये क्लियर हो गया कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो उससे 2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आर्टिकल 25-28 टॉक्स अबाउट सेक्युलरिज्म। भले ही सेक्युलरिज्म वर्ड प्रियम्बल में 1976 में ऐड किया गया हो, लेकिन 1974 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसका कोई धर्म नहीं। आपको बता दूं कि आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करते हैं। यहां पर हर धर्म के लोगों को अपना अपना रिलीजन फॉलो करने की आजादी है। देश का कोई धर्म नहीं होता और ना ही वो किसी धर्म का विरोध करता है। हर धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हर देश को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग है रूल ऑफ द पीपल, जैसे अब्राहम लिंकन ने पहले ही कहा है अपने डेफिनेशन में। डेमोक्रेसी में द जो गवर्नमेंट होती है, द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो वही सेम फॉर्मूला इंडिया के लिए भी अप्लीकेबल होता है। इंडिया में भी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के भी दो टाइप हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब भारत में कौन सा टाइप है वो देखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब कोई डिसीजन लेना होता है तो वहां के सिटीजन्स, वहां के लोग डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड। और उसी के विरुद्ध इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब कोई डिसीजन लेना होता है तो वो उस देश के पूरे लोग नहीं लेते बल्कि रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, जैसे हम भारत में पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं या फिर सांसद कहते हैं। जब कोई निर्णय लेना होता है तो पार्लियामेंट में बिल पेश करते हैं और उस बिल पे अगर मेजोरिटी मिलती है तो फिर उस बिल को पास किया जाता है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों के बजाय लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अब जो छोटे कंट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड और बाकी कुछ जो छोटे कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज में ये आसान होता है, उन कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी ला सकते हैं। लेकिन जो बड़े देश हैं उन देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाना आसान नहीं, तो इसीलिए हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रयोग करते हैं। भारत में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो देश चला इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें जहां पर हम लोगों ने सरकार को चुना है और वो सरकार देश चलाती है। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है, जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो स्पेशली रिपब्लिक मोनार्क और प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि इस देश का प्रमुख कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, तो वहां पर मोनार्क होता है, किंग ऑफ द कंट्री। और बाकी जहां पर मोनार्की नहीं है, जहां पर डेमोक्रेसी है या फिर जहां किंगशिप नहीं है, वहां पर हम प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। तो इंडिया में भी प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली सिलेक्टेड होता है। भारत देश के प्रतिनिधि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुनते हैं, और भले ही प्रेसिडेंट इस देश का अध्यक्ष है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दिया है और उस पार्लियामेंट को चुनने का अधिकार लोगों के पास है। तो इसीलिए इस देश में अगर कोई सावरन है, कोई सर्वोच्च स्थान पर है, तो वो इस देश के लोग हैं, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना पार्लियामेंट है और ना ही प्रेसिडेंट है। प्रियाम्बल में नेक्स्ट पॉइंट है,
जस्टिस। अब जस्टिस का मतलब क्या? गवर्नमेंट या देश किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, उच्च वर्णीय हो या फिर कोई भी हो, किसी भी आधार पर गवर्नमेंट किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। और उसी के साथ जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन तीन टर्म्स में हमें जस्टिस को समझना होता है। अब सोशल जस्टिस मतलब क्या, वो देखते हैं। आप जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत में पावर्टी बहुत ज्यादा पैमाने पर है और काफी हद तक गरीबी अभी भी है। तो इसीलिए देश की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, जैसे कि एससी, ओबीसी, एसटी और उसी के साथ वीमेन्स, इन सब का उद्धार करना, इन सब को, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उन सब को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देश की है। और उसके लिए अगर हमें उन्हें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़े तो भी चल जाएगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उसे कहते हैं जहां पर कुछ अच्छे के लिए अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाए तो वो जायज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन। भारत में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है। उसका यही कारण है कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और हम सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं। सेकंड, इकोनॉमिक जस्टिस। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। आप गरीब है, अमीर है, सिर्फ इस आधार पे हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और दूसरी बात, गरीब और अमीर इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने का काम गवर्नमेंट करती है, देश करता है। तो जितना इन दोनों के बीच में का गैप कम होगा उतना ही इकोनॉमिक जस्टिस बढ़ेगा। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स और राइट टू वोट। जिसे हम कहते हैं, जिसे जिसे पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस देश के नागरिकों को सभी पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। हर इंसान को एक वोट करने का अधिकार होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो और कोई भी हो, सबको एक वोट करने का अधिकार होता है। अमीर है इसलिए दो वोट हैं और गरीब है इसलिए उसको सिर्फ एक वोट करने का अधिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसीलिए वन वन पर्सन वन वोट, ये पॉलिसी भारत फॉलो करता है। और उसी के साथ सिर्फ राइट टू वोट नहीं तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी दिया है। तो अगर भारत का कोई नागरिक चाहे कि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लिबर्टी। अब लिबर्टी का मतलब है फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस और रेस्ट्रेंस। जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो सभी रेस्ट्रिक्शंस को दूर करना, उसे कहेंगे लिबर्टी। लेकिन यहां पर एक बात समझनी होगी, लिबर्टी मतलब एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है। हमने पूरी तरह से लिबर्टी नहीं दी है। लिबर्टी हम उसी को कहेंगे जब हम अपनी लिबर्टी, हम अपनी आजादी का प्रयोग करते हुए दूसरों के आजादी का भी ख्याल रखेंगे। अगर हम अपनी लिबर्टी के लिए दूसरों की लिबर्टी को खत्म कर रहे हो तो ऐसी लिबर्टी भारत में अप्लाई नहीं की जा सकती। उसके बाद इक्वालिटी, जैसे कि हमने सोशल जस्टिस में ऑलरेडी देखा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और उसी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना भी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती बल्कि इस देश के नागरिकों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसीलिए सिर्फ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, मेल फीमेल, इसके बेस पर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट पॉइंट है फ्रैटर्निटी। अब फ्रैटर्निटी, ये जो वर्ड है फ्रैटर्निटी, ये भी
42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में प्रियम्बल में ऐड किया गया है। इसका मतलब होता है ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा बढ़ाना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये हर किसी की ड्यूटी है। कोई भी दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता और अगर ऐसे होता है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले होते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में उसका फैसला सुनाया जाएगा। और जब हम ये फ्रैटर्निटी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेंस ऑफ यूनिटी इसमें से दिखती है। जब हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, फ्रैटर्निटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें से यूनिटी उभर कर दिखती है कि देश एक यूनिट है और उसे कोई डिवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए हमने फ्रैटर्निटी ये वर्ड, इस वर्ड को 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत प्रियम्बल में ऐड किया है। आई होप कि जो हम लोगों ने इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के फीचर्स देखे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।